हेलो दोस्त, सक्षम कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई आज हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की थर्ड क्लास है और पिछली दो क्लासेस में भैया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं और भाई हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को आज कवर कर पाएँ। तो आज भाई पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। तो भैया पहले तो ये देखो कि पॉजिटिव चार्ज, हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बॉडी से बाहर की तरफ होता है। तो भैया ये रही एक बॉडी जिस पर पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भाई उससे बाहर की ओर है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं और दूसरी बात हमने क्या कही थी, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाकर एंड होती हैं। तो भैया ये रहा हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर को आ रही हैं। तो भैया यहाँ से निकल रही थी और नेगेटिव में आ रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ों को देखते हैं, दूसरा क्या था भैया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेंगी वो किस तरीके की बनेंगी। भाई ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी और यहाँ पर एंड होंगी। तो भैया यहाँ से निकल कर वो यहाँ पर सीधे एंड हो रही थी, ठीक है। अब हमारे पास भैया दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको मेन ध्यान तो एरो पर भी देना पड़ेगा, अगर आप एरो नहीं बनाते हो ना तो भाई आपका वो गलत हो जाएगा। अब देखो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाए भैया, इसकी वजह से भी निकलेंगी और इसकी वजह से भी। अब यहाँ पर आपको भाई एक पॉइंट ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है। तो भैया इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भैया कितनी है, जीरो। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर भाई कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। इसी तरीके से आगे बात करते हैं भैया, आगे अगर हम बात करें तो भैया दो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भैया फिगर जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। और यहाँ पर भी भाई एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भैया कितनी है, जीरो है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भैया कितनी है, जीरो। इधर देखो, अब इधर देखोगे आप भैया एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड अलग है, ये 2q का चार्ज है और ये q का चार्ज है। तो आप देख पा रहे हो भैया जिसका जितना मैग्नीट्यूड उससे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती है। भैया इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा थी और इस पर एंड होने वाली कम थी। तो भैया इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी और इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम होंगी। तो भैया ये कहानी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक रिलेटेड थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी कहानी कर चुके थे, अब उसके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको एक बार फॉर्मूला और बता देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो फोर्स अपॉन क्यू होती है, फोर्स अपॉन क्यू, ठीक है, फोर्स अपॉन क्यू। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हमने पढ़ा था k q q q q अपॉन में भैया आर स्क्वायर और भैया अपॉन में मेरे पास एक क्यू था। तो भैया मैं ये बोल सकता हूँ इस एक क्यू से ये एक क्यू अगर कैंसिल हो जाता है तो भाई मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बचेंगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी वो कितनी बचेगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो भैया ये हमको ध्यान में रखना है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, क्या E = kq/r² ठीक है भाई, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मतलब आपने कई बार पढ़ा होगा, डाई का मतलब होता है दो और पोल का मतलब भैया जिसके दो पोल एंड होंगे, जो दो ध्रुव होंगे, ठीक है, दो ध्रुव होंगे जिसके, उसको हम बोलते हैं डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे बनेगा, चार्ज से। एक बार डेफिनेशन पर ध्यान दो क्या लिख रहा है, ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट, मतलब भाई क्या है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक अरेंजमेंट है या फिर एक सिस्टम है भैया, क्या है, एक सिस्टम ऑफ टू इक्वल चार्जेस, भैया किसका सिस्टम है, दो इक्वल चार्जेस का, कैसे चार्जेस, दो इक्वल चार्जेस। तो भैया यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी क्यू है और इधर भी क्यू है, तो दोनों चार्जेस कैसे हैं भैया, इक्वल है। एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस का मतलब भैया अपोजिट नेचर के, अपोजिट नेचर के, दो इक्वल चार्जेस इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, एक प्लस का है दूसरा माइनस का होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भाई क्या होता है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के, सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, जो भैया एक छोटी सी दूरी पे रखे जाते हैं, एक छोटी सी दूरी पर रखे जाते हैं। यहाँ पर वो डिस्टेंस भाई मैंने वो कितना माना है, 2a माना है,
कितना माना है भैया 2a। तो भैया यहाँ पर वो, यहाँ पर मैंने एक तरफ प्लस का चार्ज रखा, एक तरफ माइनस का चार्ज रखा, इन दोनों के बीच का एक छोटा सा डिस्टेंस मान लिया, वो डिस्टेंस की वैल्यू 2a है। यहाँ पर हमने जो मानी है वो भैया उस डिस्टेंस की वैल्यू है कितनी 2a। यहाँ तक की चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि क्या होता है भैया इलेक्ट्रिक डायपोल। एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के एक छोटे से डिस्टेंस पर रखे जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद। इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद क्या है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट, अभी देखो हमने इलेक्ट्रिक उसमें बात क्या करी थी कि हमारे पास जो भैया डायपोल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, एक भैया प्लस का चार्ज और एक भैया माइनस का चार्ज, एक प्लस का और एक माइनस का, और एक छोटे से डिस्टेंस पर रखा गया होगा, वो छोटा सा डिस्टेंस भैया मैंने 2a मान लिया। ठीक है, इसी को तो डायपोल बोलता हूँ। और भैया इसी से ही हम क्या निकालते हैं, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ये एक प्रोडक्ट है भैया, किस चीज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज ले लो, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और उसका मल्टीप्लाई डिस्टेंस से कर दो भैया। इसको रिप्रेजेंट पी से किया जाता है भाई, किससे किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल पी, किससे भैया पी से। तो आप क्या कहोगे, सर ये जो पी है स्मॉल पी, इस स्मॉल पी की वैल्यू जो होगी भैया वो कितनी होगी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। इस बात को ध्यान रखना भैया, मैं क्या लिख रहा हूं, चार्ज इंटू डिस्टेंस भाई, ध्यान रखना मैं चार्ज इंटू डिस्टेंस लिख रहा हूं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वो आपको चार्ज देगा, लेंथ दे देगा 5, तो आप उसमें उस 2 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे। वो जो 5 है ना, 5 वो पूरी भैया 2a की लेंथ है, 2a बराबर 5 है, इस बात को ध्यान रखना। तो भैया चार्ज मेरे पास q था और डिस्टेंस भाई मेरे पास 2a हो जाएगा। तो भैया p बराबर मेरे पास ये होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। भैया इसकी यूनिट, इसकी अगर आप यूनिट की बात करोगे तो आप कहोगे भैया सर इसकी यूनिट तो कूलाम होती है और इसकी यूनिट होती है मीटर, डिस्टेंस की यूनिट। तो भैया इसकी यूनिट जो बनी वो क्या बनी, कूलाम मीटर। भैया क्या बनी, कूलाम मीटर। ठीक है भाई, यहां तक की चीजें क्लियर। डायपोल मूवमेंट क्या हुआ भैया, डायपोल मूवमेंट क्या है, प्रोडक्ट है किसका, चार्ज इंटू डिस्टेंस, उनके बीच के डिस्टेंस का। कोई सा भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि चार्ज तो भैया बराबर है, चार्ज बराबर में कोई सा भी एक चार्ज ले लो और उसका मल्टीप्लाई कर दो भैया उनके बीच की डिस्टेंस से। इसी को ही मैं क्या बोलता हूँ, डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं भाई हम इसे, डाइपोल मूवमेंट। रिप्रेजेंट किससे करते हैं भैया, पी से। पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। भैया ये जो पी है, ये पी भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है भैया। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है भैया। कैसे, नेगेटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन भी तो होगी, वेक्टर है तो। ठीक है भाई, यहां तक की चीजें क्लियर हुई हमारी सारी, यहां तक की चीजें हमारी सारी क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या है अब देखो, अब हमको भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, एक डायपोल की वजह से। तो देखो यार सुनो, पहले मैं डायपोल बनाता हूं। आप कहोगे भैया हमारे पास डायपोल ये होता है, एक तो प्लस का चार्ज ले लो क्यू और एक भैया किसका चार्ज ले लो, माइनस का क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस 2a हो गया। देखो इनके बीच का डिस्टेंस भैया कितना हो गया, 2a। अब हम जानते हैं कि भैया इस प्लस और इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह होगी। ठीक है भाई, सब जगह होगी या नहीं होगी, हमको भैया सिर्फ दो ही जगह निकालनी है। एक्सियल का मतलब समझो, एक्सियल का मतलब होता है भैया जिस लाइन पर हमारे प्लस और माइनस के क्यू लाई कर रहे हैं, उसी को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं इधर उधर। तो भैया उस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उस लाइन को मैं क्या बोलूंगा भैया, एक्सियल लाइन। मतलब मान लो इस लाइन को मैंने ऐसे कंटिन्यू रख कर दिया आगे, तो भैया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है या यहां निकालनी है, तो ये वाली जो पूरी लाइन है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं हम इसे, एक्सियल लाइन। दूसरा हमारे पास आता है भैया इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है भैया, इसका कोई एक मिड पॉइंट होगा और भैया उस मिड पॉइंट से, उस मिड पॉइंट के किसी भी परपेंडिकुलर पर, किसी भी परपेंडिकुलर लाइन पर, उस मिड पॉइंट के किसी भी परपेंडिकुलर लाइन पर, किसी भी पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो भाई वो क्या कहलाएगी हमारी, वो कहलाएगी हमारी एक इक्विटोरियल पॉइंट। तो दो होते हैं, एक तो भैया जहां पर वो चार्जेस लाई कर जाएंगे उस लाइन पर, और एक क्या होता है भैया उस वाले पॉइंट पर, उस वाली लाइन पर निकालो जो आपके डायपोल के मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, उस वाली लाइन पर किसी भी पॉइंट पर निकाल दो। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। भैया एक ये डायपोल था,
इस डायपोल के बाद की अगर मैं कहानी की बात करूं भैया, इस डायपोल से आगे की कहानी की, तो भैया आगे की कहानी क्या है, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से, वो भी कहां पर, एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट का भैया इस तरफ निकालनी है या इस तरफ निकालनी है, कहीं पर भी निकाल सकते हैं हम। आगे लेट अस कंसीडर ए डायपोल ए बी। भैया एक सबसे पहले क्या कह रहा है, एक डायपोल क्रिएट करो ए बी। आपने कहा हाँ ठीक है भैया, हमने एक डायपोल मान लिया, ये हमारे पास एक डायपोल है ए बी, ठीक है भैया। आगे प्लस क्यू चार्जेस एंड माइनस क्यू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, ठीक है, इन द सून फिगर। नाउ लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल अलोंग द एक्स एक्सिस। भैया सेंटर होगा यहां पर, इस पॉइंट को भैया मैंने मान लिया c। अब इस सेंटर से r डिस्टेंस पर, इस सेंटर से भैया r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है हमारे पास यहां पर p। ये सपोज करो भाई ये वाला वो पॉइंट है हमारे पास, कौन सा पॉइंट है भैया, पी पॉइंट है। यहां पर भैया हमको क्या निकालनी है भाई, यहां पर निकालनी है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर अगर मेरे को इस पॉइंट पर निकालनी है तो मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे भैया हम नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि यहां पर भाई बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। चलो इधर बात करते हैं, इधर क्या क्या बातें होंगी भैया। एक पहले तो डायपोल बनाओ भैया, ये हो गया प्लस का क्यू भाई, ये हो गया मेरे पास, बीच में बना लेते हैं इसको थोड़ा सा भैया, ये आ गया आपके पास प्लस का क्यू, और भैया ये आ गया मेरे पास माइनस का, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस भैया कितना है 2a। चलो इसके आगे की बात करते हैं, ये वाला जो पॉइंट था वो a था, ये वाला जो पॉइंट था b था। हमसे बोला था इसके सेंटर से, इसके सेंटर से जिसको पॉइंट मैंने सी माना, कुछ r डिस्टेंस पर भैया, r डिस्टेंस पर एक और पॉइंट प्रेजेंट है, एक और पॉइंट प्रेजेंट है जिसका नाम है भैया क्या, p, ठीक है भाई। तो इस पॉइंट p पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डायपोल की वजह से। चलो भैया आगे बात करते हैं। अब ये बताओ भैया, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना होता है, हम वहां पर क्या लेके जाते थे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या भैया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो भाई यहां पर बात करो, ये माइनस वाला, यहां पर भैया यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो माइनस वाला, माइनस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इस पर, वो भाई किस तरफ होंगी, आप कहोगे सर अंदर की तरफ होंगी, किसकी तरफ होंगी, अंदर की तरफ। तो आप इसे क्या बोलोगे, ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बी। क्या बोलेंगे भाई हम इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बी। ऐसी बात करो भैया, इस प्लस वाले की वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी क्या होंगी, भैया प्लस से हमेशा बाहर की तरफ होती है, भैया इस पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भाई कहां को होंगी, बाहर की तरफ होंगी। तो भैया ये क्या हो गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए। किसी को भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, भाई हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आप बात करो भैया, मेरे को यहां से यहां तक ये बताओ, ये कितना था 2a था ना, तो भैया यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, तुम लोग कहोगे सर ये वाली डिस्टेंस हो गई a, और भैया ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट था c, तो भैया ये डिस्टेंस भी कितनी होगी a, ठीक है भाई। अब बात करते हैं a से लेकर p तक की डिस्टेंस क्या है, भैया a से लेके इस p तक की डिस्टेंस क्या है। आप लोग कहोगे कि सर अगर ये डिस्टेंस r है, इसमें a जुड़ा हुआ है, तो भाई ये r प्लस a ही तो हो गई, r प्लस a। ऐसी भैया c से लेकर, सॉरी c से क्यों, b से लेकर, b से लेकर p तक की डिस्टेंस क्या है, आपको कहोगे सर ये पूरी r थी, इसमें से ये वाली डिस्टेंस को कम करना है, तो भैया ये कितनी हो गई, r माइनस a हो गई। भैया डिस्टेंस मिल गया मेरे को, सारी कहानी देखो, मेरा डायग्राम बन चुका है, जो कुछ होना था सब कुछ हो चुका है। अब आगे बात करते हैं, अब सुनो भैया, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता हूं ए की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भैया क्या पढ़ा था हमने, के क्यू, भैया कितना चार्ज है यहां पर, क्यू, के क्यू अपॉन आर, भैया डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो होता है भैया, के का हो गया के, जो चार्ज है ए पॉइंट पर वो है क्यू, और ए कितना है आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का भाई क्या बनेगा यहां पर, होल स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं ई बी की, बात करते हैं ई बी बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, भैया के तो के ही रहेगा, क्यू की वैल्यू की बात करूं तो बी पॉइंट पर चार्ज कितना रखा हुआ है भैया बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है क्यू और बी और पी के बीच का, आर माइनस ए का होल स्क्वायर,
ठीक है भैया, मेरे पास ई ए निकल कर आ गया, मेरे पास ई बी निकल कर आ गया। आगे कंटिन्यू अगर मैं करूं भैया इस चीज़ों को, आगे अगर मैं बढ़ाता हूं तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कि सर यहां तक निकल कर आ गया, अब मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी भाई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भैया कितनी होती है? अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है एक इधर है, तो भैया जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? वो होती है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, E B माइनस ई ए। ये बताओ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो होती है। अब ये बताओ ई बी माइनस ई ए करना था मुझे या फिर ई ए माइनस ई बी करना था? आप लोग कहोगे सर ये वाला पॉइंट इस बी वाले के पास में है, तो बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, और जब भी डिफरेंस, जब भी माइनस करते हैं तो भैया ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो बी की वजह से ज्यादा है तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बी की वजह से ज्यादा हो गई, तो ई बी ज्यादा होगा माइनस ई ए। दूसरी कहानी यहां से समझो, देखो ऊपर वाली चीजें तो कॉन्स्टेंट है ना, नीचे की बात करता हूँ भैया, ये आर में से कुछ कम हो गया तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो गई, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर बढ़ जाएगा। यहाँ पर भैया डिनोमिनेटर की वैल्यू आर प्लस ए, आर में कुछ जुड़ गया तो भैया डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई तो ई ए की वैल्यू भैया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ई बी ज्यादा था, ई ए कम था। तो भाई मेरे पास यहाँ पर ये निकल के आया कि ई नेट बराबर कितना होगा? ई बी माइनस ई ए। भाई इसके बाद आगे बात करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी माइनस ई ए, तो भैया ई बी माइनस ई ए, तो भैया ई नेट, ई बी की वैल्यू कितनी थी? के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, भैया ये कितना था? के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। भाई मेरे पास ये कहानी थी, एक मिनट का टाइम देना भैया, चलो ठीक है सब कुछ कहानी सही है भैया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आप क्या कहोगे कि सर इसमें से के क्यू तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है भाई निकाल लिया, यहां पर कितना बचेगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर, सॉरी ये माइनस करते हैं ना भाई, हम माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भैया हमारी क्या हो रही है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो भैया माइनस होंगी, आर प्लस ए का, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, भैया ये कुछ निकल कर आया। अब आप बात करो क्या मैं, क्या मैं भाई इसको एलसीएम नहीं ले सकता इसका? तो भैया ये कितना बन जाएगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। भाई मैंने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया भैया? मैंने एलसीएम। अब एलसीएम भी मैंने कैसे लिया? इन दोनों का मल्टीप्लाई करा है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो भैया ये इधर जा जाएगा, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में ये भैया इधर चला जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। भाई यहां तक हमारी चीजें समझ में आ गई, के क्यू, के क्यू। अब क्या होगा भैया ये बताओ, क्या मैं इसको होल स्क्वायर एक साथ बोल सकता हूँ ना? तो ये r माइनस ए और भैया r प्लस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर हो चुका था, इस पूरे का भाई क्या हो चुका था? होल स्क्वायर। ठीक, ऊपर की बात करो तो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी, तो भैया ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, माइनस लग रहा है, ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का भैया बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। भाई ये कहानी हमारे पास बनी। अब आप बात करोगे भैया आर स्क्वायर में से माइनस कर रहा हूं तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर में से भैया माइनस कर रहा हूं तो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस भैया क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो टू आर ए ये रहा और टू आर ए ये रहा, तो भैया मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा फोर आर ए। तो भैया ई बराबर आपके सामने कितना निकल कर आ रहा है? के क्यू ब्रैकेट में 4R A अपॉन में। भाई इधर बात करो, A माइनस बी और A प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला बन गया? A माइनस बी और A प्लस बी। आप कहोगे सर ये जो फॉर्मूला बन गया, ये बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, और इसका भी क्या हो रहा था? होल स्क्वायर। भाई ये कहानी यहां तक हमको समझ में आई। चलो तो E बराबर K और R को भाई मैंने यहाँ लिख दिया, ये आ गया मेरे पास Q इंटू टू इंटू टू ए। भाई ये बताओ कोई दिक्कत? मैंने इस 4 को 2 इंटू टू ए लिख दिया, ये जो 4 ए था, ये जो 4 ए था इसको मैंने 2 इंटू टू ए लिख दिया, और अपॉन में भैया मेरे पास कितना था? R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। भैया कुछ ये था, अब ये बताओ ये चार्ज इंटू डिस्टेंस Q इंटू टू ए, भैया ये जो था Q इंटू चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस, उसी को ही तो हम डाइपोल बोलते थे, उसी को ही तो भाई हम क्या बोलते थे? डाइपोल। तो भैया ये कितना बन जाएगा? ये 2 आया बाहर,
ये हो गया के, और भैया ये आ गया मेरे पास डाइपोल क्यू इंटू टू पी, और भैया ये आर बच रहा था, तो भैया ये बचा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई यहां तक कि हमारे पास कहानी समझ में आई। इसके बाद भैया हमारे पास ई इतना निकल कर आता है वैसे तो, लेकिन भाई सुनो आगे, आगे की बात सुनो भैया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कहानी सुनो। वो क्या है कि भैया ये जो हमारा डिस्टेंस ए है, ये जो भाई डिस्टेंस हमारे पास, ये जो एक ए है भैया, पहले 2a बहुत छोटा था, उसका मिड पॉइंट भी और छोटा हो गया, तो भैया इस r के कंपैरिजन में इस a की वैल्यू भैया बहुत ही छोटी होती है। इस r के कंपैरिजन में भाई इस a की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही छोटी। तो क्या कहोगे, r जो है वो बहुत 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 बड़ा है भैया, किससे, a से, r के कंपैरिजन में। तो भैया हम a को क्या कर सकते हैं, a can be neglected। तो भैया हम a को neglect कर सकते हैं। जब भाई मैं a को neglect कर दूंगा तो भैया ये क्या बन जाएगा, मैं यहीं पर आगे ही कंटिन्यू कर देता हूं भाई, मैं इसको, जैसे ही आपने इसको neglect करा तो भाई ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे e is equals to 2k p r upon में, भैया neglect का मतलब ये जीरो हो गया, r स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4, भैया r की पावर 4, भैया एक r से एक r कट गया, तो फॉर्मूला क्या बना, 2kp अपॉन में r क्यूब, 2kp अपॉन में r क्यूब। तो भैया ये था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से, वो भी कहां पर, एक्सियल पॉइंट पर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं भैया ये समझ में आ चुका होगा, उम्मीद है भैया आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है भैया, डाइपोल मूवमेंट भैया किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने भैया ये सारी चीजें कर दी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। भैया मैंने अभी आपसे कहा था हमको एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी निकालना पड़ेगा, तो यहां पर भैया काम करते हैं। क्या कह रहा है, हमारे पास एक डाइपोल है ए बी विद चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ठीक है भैया, तो एक डाइपोल बना ही लेते हैं, जब उसने कह दिया है हमारे पास एक डाइपोल है ए बी, तो भैया एक डाइपोल बना लेते हैं। देखो सपोज करो ये रहा भैया मेरे पास एक डाइपोल, कितना है भाई, एक प्लस का क्यू है और एक भैया माइनस का क्यू है। उसने एक पॉइंट और हमको बोल दिया है कि भैया एक ए पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक भाई बी पॉइंट है। आगे बात करते हैं, नाउ लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। एक पॉइंट पी पर मेरे को भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। भैया जो सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, अलॉन्ग द इक्विटोरियल लाइन, कौन सी लाइन पर भैया, इक्विटोरियल लाइन। तो भैया पहले सेंटर पता करो, भैया ये रहा उसका सेंटर, इस पॉइंट को नाम दे दिया भैया मैंने क्या, सी। अब इसके इक्विटोरियल लाइन क्या होगी, जो भैया इसके परपेंडिकुलर होगी भैया, उससे 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 कुछ आर डिस्टेंस पर मेरे को क्या निकालना है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उससे कुछ आर डिस्टेंस पर, उससे कुछ भैया आर डिस्टेंस पर। भैया सपोज करो ये रही मेरे पास आर डिस्टेंस, ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा इसको नाम दे दिया हमने भैया कितना, पी। इस पी पर भैया मेरे को क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से। चलो बात करते हैं भैया जहां पर निकालनी होती है वहां पर हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। भैया पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव की चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी भैया वो किस डायरेक्शन में होंगी, आप कहोगे कि सर वो जो होंगी वो इससे आउटवर्ड होंगी। क्या होंगी भाई, इससे आउटवर्ड। ठीक है भाई, इससे क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी। ऐसे ही भाई यहां पर बात करो भैया, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरफ होंगी भैया, नेगेटिव फील्ड लाइन जो होंगी भैया इसकी वजह से, इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होंगी, आप लोग कहोगे सर इसकी वजह से जो होंगी वो होंगी इनवर्ड। क्या होंगी भैया, इसकी तरफ। बताओ भाई क्या हुआ, यहां से तो भैया बाहर की तरफ और इसकी वजह से अंदर की तरफ। बाहर की तरफ किसकी वजह से थी भैया, ई ए की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से। अंदर की तरफ किसकी थी भैया, ई बी की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से। अब ये बताओ दोस्त एक बार मेरे को, क्या आपको यहां पर एंगल पता है, ये वाला एंगल क्या होगा। देखो ई ए और ई बी के बीच का एंगल पता चल जाए तो मैं काम कर सकता हूँ वाला, हम अपना पैरेललोग्राम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंगल सम, वेक्टर सम फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन यहां पर भाई हमको एंगल नहीं पता। जब भी भाई मेरे को एंगल नहीं पता होते तो हम क्या करते हैं, अपने अपने वेक्टर को रिजोल्यूट कर लेते हैं। रिजोल्यूट करने का मतलब एक भैया एक्स कंपोनेंट और एक भैया वाई कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट और एक भैया वाई कंपोनेंट।
तो यहां पर मैं वही काम करने की कोशिश कर रहा हूं, एक इसका x कंपोनेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं और एक इसका y कंपोनेंट। आप कहोगे ea को जब आप रिजोल्यूट करोगे तो भैया एक तो आएगा x कंपोनेंट जिसको हम ea cos थीटा, भैया ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ea cos थीटा, इस बात को ध्यान रखो। ऐसे ही भैया एक ऊपर वाला का वो चला जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ea sin थीटा, ठीक है भाई, ई ए साइन थीटा। आगे बात करते हैं भैया, अब ई बी की वजह से बात करो, ई बी की वजह से, अब आप क्या बोलोगे, सर ई बी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस पर होगी जिसको हम ई बी कॉस थीटा कहेंगे, और सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डाउनवर्ड होगी जिसको हम ई बी साइन थीटा कहेंगे। भाई यहां तक की चीजें क्लियर सबको, ई बी साइन थीटा कहेंगे। अब आप ये बताओ भैया, ये वाला जो स्मॉल डिस्टेंस था ये 2a था, तो भैया यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है, यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है भैया ये कितनी है, आप लोग कहोगे सर ये है a, ये वाला डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पर निकाल लेते हैं हम r पर, तो भैया मैं जानता हूं ये परपेंडिकुलर था, तो उससे मैं इसकी हाइपोटेनियस का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैं a से लेकर p तक की वैल्यू निकाल सकता हूं ना, तो भैया ये a से लेकर p तक की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भैया आपने बहुत सारे काम डायग्राम में ही कंप्लीट कर दिए। अब एक छोटी सी बात की, एक छोटी सी बात पर चलते हैं, ये बताओ भैया ऊपर है ई ए साइन थीटा, नीचे है ई बी साइन थीटा, पहले भैया मैं ई ए निकाल लेता हूँ, ई ए भाई कितना होगा, आप लोग कहोगे सर ई ए अगर मैं निकालता हूँ तो ई ए होगा के क्यू अपॉन के क्यू ए अपॉन आर का स्क्वायर, तो भैया के का के आया, ए पर चार्ज कितना है क्यू, आर का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका भी भाई क्या था होल स्क्वायर, तो भैया ये कितना बन जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई यहां तक चीजें समझ में आई आप लोगों को, भैया कितना बन गया आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। अब भैया ई बी की बात करता हूं, ई बी, ई बी भी भैया कितना होगा के क्यू बी अपॉन में आर स्क्वायर, भैया के की वैल्यू के क्यू बी पर, भैया बी पॉइंट पर चार्ज कितना है क्यू, अपॉन में अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो भैया ये भी कितना निकल कर आया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई ये कहानी निकल कर आती है। अब आप देख पा रहे होगे कि भैया ई ए की जो वैल्यू निकल कर आई है वही वैल्यू ई बी की है, तो ई ए और ई बी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। हम आगे क्या कहेंगे, ई ए एंड ई बी, ई ए इक्वल्स टू ई बी, देयरफोर भैया जिसकी वजह से क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा था एक फोर्स लग रहा था ऊपर को और एक फोर्स लग रहा है नीचे को, और भैया जब ई ए और ई बी आपस में बराबर है तो साइन कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के आपस में कैसे हैं, इक्वल, एक इधर खींच रहा है एक उसके अपोजिट खींच रहा है, तो भैया वहां पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, आप कहोगे भैया वहां पर लगने वाला नेट फोर्स हो गया जीरो, देयरफोर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू साइन कंपोनेंट इज जीरो, कंपोनेंट इज जीरो, भैया कितना हो गया जीरो, हेंस ई नेट जो होगा भैया किसकी वजह से होगा, इज ड्यू टू कॉस कंपोनेंट ओनली, इज ड्यू टू कॉस कंपोनेंट। अब भैया किसकी वजह से होगा, हमारे पास सिर्फ कॉस कंपोनेंट की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से भाई, कॉस कंपोनेंट की। अब भैया कॉस कंपोनेंट है क्या वो भी बात कर लेते हैं, हमारे पास कॉस कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है एक, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कॉस थीटा इधर खींची जा रही है, ई बी कॉस थीटा भी इधर ही खींची जा रही है, तो मैं बोल सकता हूं भैया जो मेरे पास यहां पर ई नेट निकल कर आएगा, जो भाई ई नेट निकल कर आएगा वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, तो भैया ये कितना निकल कर आ गया, आप बोलोगे टू ई कॉस थीटा, भैया दोनों बराबर है। अब ये बताओ आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता है क्या भाई, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू पता है, नहीं पता, तो भैया कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे भैया एक ट्रायंगल देख लेते हैं ए पी सी, इन ट्रायंगल ए पी सी, क्या भैया इन ट्रायंगल ए पी सी कॉस थीटा भाई कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, भैया कॉस थीटा, ये थीटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल, तो भैया ये एंगल भी कितना हो गया थीटा, कॉस थीटा, बेस कितना है ए, और वो कितना है भैया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या बोलोगे ए अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, भैया ये है मेरे पास, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भैया मेरे को ई की वैल्यू पता है, तो ई नेट मेरे पास भाई जो आ रहा था वो आ रहा था टू ई कॉस थीटा, भैया टू का टू रहेगा, ई की वैल्यू भी हमने निकाली थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू भैया निकल कर आई है ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई ये बात करता हूं मैं, अगर आप देख पाओ तो भैया इस q को मैंने 2 को इसके साथ भेज दिया, तो ये कितना बन जाएगा k q इंटू टू ए, भैया कोई दिक्कत? भैया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 बेस सेम है, तो पावर भाई क्या हो जाती है एड, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। अब आप क्या बोलोगे भैया, ये तो बन गया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर भैया कितना 3 बाई 2, तो भैया ई नेट मेरे पास अभी तक यहां पर इतना निकल कर आया, भैया ये पी क्या था डायपोल मूवमेंट, चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता था भैया डायपोल मूवमेंट। आगे की बात करते हैं अगर हम इसके आगे, तो भैया यहीं पर मैं आगे कर देता हूं। अब भाई क्या बोलेंगे, जो भैया आर है वो बहुत 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 बड़ा है भैया किसके कंपेरिजन में, ए के कंपेरिजन में, सो ए कैन बी नेग्लेक्टेड, ए कैन बी नेग्लेक्टेड, ए को भाई हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो भैया ये कितना बन जाएगा e net is equals to k p upon में r square की पावर भैया 3 बाई 2, तो भैया 2 से 2 कट गया, तो भैया e net बराबर कितना निकल कर आ रहा था k p upon r का क्यूब, तो भैया एक हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो फॉर्मूला निकल कर आता है हमारे पास कितना निकल कर आता है k p upon r का क्यूब। चीजें भैया यहां तक क्लियर आप लोगों को, उम्मीद करता हूं भैया ये वाले सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, इक्विटोरियल पॉइंट पर एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट और इक्विटोरियल पॉइंट पर भैया कोई सिमिलरिटी थी? आप कहोगे कि सर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पर आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पर आया था, भाई एक बार चेक कर लो कितना निकल कर आया था, आप कहोगे सर 2kp/r³ आया था, 2kp/r³, 2kp/r³, ऐसी भैया ई इक्विटोरियल पर, ई इक्विटोरियल पर भाई कितना निकल कर आया है, ई इक्विटोरियल पर आप बात कहोगे सर ये जो निकल कर आ रहा है वो के पी अपॉन आर क्यूब निकल कर आ रहा है, कितना निकल कर आ रहा है भाई के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है भैया यहां तक निकल कर आया आपको साफ साफ क्लियर क्लियर ये समझ में आ रहा होगा, भैया डिवाइड कर दो तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्विटोरियल, अगर आप भाई डिवाइड कर देते हो तो कहानी क्या बन रही है 2kp/r³/kp/r³, तो भैया ये क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए, ये आपस में भाई कैंसिल हो गए, तो भैया मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा e एक्सियल जो होता है इज इक्वल टू 2 times ऑफ e इक्विटोरियल, तो भैया एक्सियल पर आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पर आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है भैया वो इक्विटोरियल पॉइंट का डबल होता है, इक्विटोरियल पॉइंट का भैया कितना होता है डबल, बातें क्लियर यहां तक भैया, डायपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हम आगे चलते हैं भैया, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले भाई टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क होता क्या है आप जानते हो भैया, टॉर्क जो होता है एक तरीके का फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस के अगेंस्ट क्या कराता है, रोटेट कराता है, उसी को ही भाई हम क्या बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क क्या है एक फोर्स है जो भैया किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस के अगेंस्ट क्या कराता है भैया रोटेट कराने का काम करता है भाई, उसी को ही मैं क्या बोलता हूँ टॉर्क बोलता हूँ। टॉर्क के लिए भाई दो कंडीशन होनी चाहिए, दो कंडीशन में भैया एक बार लिख देता हूँ, पहली कंडीशन टॉर्क के लिए क्या होनी चाहिए भैया, जो आपके जो फोर्स है फोर्स भैया वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स क्या भैया अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरी कंडीशन भाई क्या होनी चाहिए टॉर्क के लिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए भैया आपका लाइन ऑफ एक्शन,
लाइन ऑफ एक्शन एक तो डिफरेंट होना चाहिए और एक दूसरे के भैया क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और भाई कैसा होना चाहिए, पैरेलल, तभी टॉर्क लगेगा, अन्यथा टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, इन चीजों को हमको ध्यान रखना है। फोर्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, दो फोर्स लगने चाहिए वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, और भैया वहां पर लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास डिफरेंट होना चाहिए और वो लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के क्या हो भैया, पैरेलल हो। इसको बोलते हैं भैया हम क्या, टॉर्क। आगे की बात करते हैं टॉर्क के बाद, टॉर्क ऑन ए डाइपोल। अब देखो क्या है, क्या कह रहा था, लेट अस कंसीडर ए डाइपोल ए बी विद चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। देखो हम तो हर बार 2a की बात कर रहे हैं, एक प्लस का क्यू एक माइनस का क्यू डाइपोल दे रहे। इफ द डाइपोल इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एन एंगल थीटा इट वुड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। देखो टॉर्क होगा कैसे, देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम लेकर आया हूँ, लेकिन हम भैया अपना खुद का डायग्राम बनाते हैं, ये मैं पेस्ट कर दिया था दिखाने को। ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भैया मैंने ये एक टॉर्क रख दिया है। ठीक है, चलो हम खुद का बनाते हैं भाई, एक खुद का डायग्राम क्या है भैया, कैसे बनेगा बातों को ध्यान दो। आपके पास भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो भी कैसी है भैया, पैरेलल। भैया ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं भैया एक डाइपोल रख रहा हूं। देखो यार पैरेलल से लग नहीं रही, पैरेलल सी लग नहीं रही, तो अभी इसका काम करते हैं, मैं पैरेलल सी ही लगाएं। चलो भैया देखो ये रही हमारे पास भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने भाई यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख एक डाइपोल रखा है, सॉरी भैया क्या रख दिया हमने, एक डाइपोल। जहाँ भैया उस डाइपोल को हमने नाम भी क्या दे दिया भैया, उस डाइपोल का नाम दिया ये है ए और ये भैया कितना बी, ये है ए और ये है भैया कितना बी। यहाँ पर रखा हुआ है भैया प्लस का क्यू कूलाम चार्ज, यहाँ पर भैया मैंने रख दिया प्लस का क्यू, कितना भैया प्लस का क्यू, और यहाँ पर यार प्लस का क्यू। इधर बात करते हैं भैया यहाँ पर मैंने कैसा रख रखा है, तो हम कहोगे सर यहाँ पर रखा है हमने माइनस का क्यू। ठीक है भाई, इनके बीच का डिस्टेंस भैया कितना है, आप लोग कहोगे सर 2a। भैया मैंने इसको एक एंगल पर रखा है, इस एंगल का नाम दे दिया मैंने कितना भैया थीटा। ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें थी। अब देखो मैं जानता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेक करो पहले आप भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। इसका मतलब भाई यहाँ पर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और यहाँ पर भैया कहीं पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, यही तो रहा होगा। ठीक भैया, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो भैया इस नेगेटिव चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है क्या, एफ, कौन से पॉइंट पर, बी पर, तो एफ बी की बात कर लेते हैं भैया, एक क्या लग रहा है फोर्स, और ये जो फोर्स होगा वो कितने के बराबर होगा ये बात भी कर लेते हैं। भैया हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एफ अपॉन क्यू के बराबर होती हैं, तो भैया फोर्स कितने के बराबर होगा, क्यू इंटू ई के बराबर। तो भाई यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्यू इंटू ई के बराबर है। ठीक है भाई, इधर बात करूँ भैया ये प्लस का, इस प्लस को अपने से दूर भेजेगा तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, भैया ये फोर्स भी कितने के बराबर होगा, Q इंटू E के बराबर। तो भाई ये मेरा एक डायग्राम बना, ये मेरा एक डायग्राम बना। दूसरी बात भैया जो टॉर्क होता है, टॉर्क का पहले भाई मैं फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ होता क्या है, उसके बाद बातचीत करेंगे। भैया टॉर्क जो होता है, टॉर्क TORQE भैया जो टॉर्क होता है वो बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। तो भैया आपको फोर्स तो पता चल गया लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता, तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो भैया वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा कैसे, मैं यहां से भैया एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, ये हो गई यहां पर भैया ये एंगल थीटा, तो भाई ये एंगल भी कितना होगा थीटा।
आपको भैया ये परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस दे रखा है, तो भैया कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इस पॉइंट को ए बी सी, इसको नाम देते हैं भाई हम सी, तो आप क्या बोलोगे? इंट्रेंगल ए बी सी, इंट्रेंगल ए बी सी। साइन थीटा, साइन थीटा भैया कितना होता है? आप लोग कहोगे सर साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बी सी है भैया, इसी की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेनियस मेरे पास 2a है, तो भैया यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आप लोग क्या कहोगे? सर बी सी, ये 2a बराबर हो गया साइन थीटा के। भैया जो बी सी है वो बराबर हो जाएगा भाई किसके? 2a साइन थीटा के। भैया किसके बराबर हो रहा है? 2a साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल कर आ गया भाई मेरे पास। फॉर्मूले में पुट करते हैं, आप लोग क्या कहोगे? सर टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कितना था मेरे पास? बी सी। ठीक है भैया, फोर्स की वैल्यू q इंटू ई निकल कर आती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की भैया वैल्यू मेरे पास 2a साइन थीटा निकल कर आती है। तो भैया मैंने क्या करा, e इंटू क्यू और 2a को यहां लिख दिया और भैया ये हो गया साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत भैया? अब देखो थोड़ा सा यार, हम थोड़ा सा उस पर काम कर रहे हैं ना। ये भैया मल्टीप्लाई के साइन थे यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखो, मल्टीप्लाई अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं आए। भैया चार्ज इनटू डिस्टेंस क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस इसको रिप्रेजेंट भैया इस तरीके से बोल करते हैं और इसको बोलते हैं टाओ। चार्ज इनटू डिस्टेंस हम जानते हैं भैया किसके बराबर होता है? साइन पी के बराबर, डाइपोल मूवमेंट के बराबर। तो मेरे पास भैया टॉर्क बराबर कितना निकल कर आ रहा है? ई पी साइन थीटा, ई पी साइन थीटा। भैया ई भी वेक्टर, पी भी वेक्टर और साइन थीटा और निकल कर आ रहा है, तो टॉर्क भी हमारे पास एक वेक्टर होगा और भैया ये कितना निकल कर आएगा? हम जानते हैं साइन थीटा किस में आता है भैया? हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में। भैया किस में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है भाई, यहाँ तक की कहानी में उम्मीद करता हूँ कि भैया सबको समझ में आ चुकी होगी कि भैया टॉर्क क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास क्या? टॉर्क। अब हम टॉर्क से आगे बात करते हैं, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलो भाई थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या है हमारे पास इसमें? देखो अभी एक चीज और बन जाएगी, अब हम थोड़ा सा एक केस बना देते हैं इसमें। केस फर्स्ट, अगर भाई जो थीटा था, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाती है तो क्या होगा? आप जानते हो आपके पास जो टॉर्क निकल कर आया है भैया, टॉर्क जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया है? ई पी साइन थीटा। भैया थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये ई पी साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो भैया टॉर्क बराबर आपके पास कितना निकल कर आएगा? 0। ठीक है भाई, दूसरा केस और अगर हम बनाए, दूसरा केस, केस टू। भाई केस टू में क्या हो सकता है? थीटा की वैल्यू भैया मैंने कितनी मान ली? थीटा इज इक्वल्स टू 90 मान लिया। कितना मान लिया दोस्त? 90 मान लेता हूं, तो भैया यहां पर बात करते हैं टॉर्क बराबर कितना होगा। तुम लोग कहोगे ई पी साइन थीटा। भैया टॉर्क तो कितना हो जाएगा? ई पी साइन 90 की वैल्यू भाई मेरे पास कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो भैया ये कितना हो जाएगा? टॉर्क बराबर ई पी, कितने के बराबर? ई पी। तो भैया इसी टॉर्क को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा भैया? ई पी का। एक थर्ड केस और है, उसको और देख लेते हैं। केस थर्ड भैया, केस थर्ड क्या होता है? जहां पर मैंने थीटा की वैल्यू भैया कितनी ले ली? 180 डिग्री। भैया 180 डिग्री ले लूंगा तो 180 डिग्री साइन 180 डिग्री और साइन 0 भैया कितने होते हैं? भैया ये भी कितने होते हैं हमारे पास? 0। तो यहां पर लगने वाला टॉर्क भी भैया कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, आप जानते हो भैया मिनिमम टॉर्क कब हो सकता है? चलो इतने ही पे ध्यान, तो ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना भैया। जब ई साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? -k1। तो माइनस का ई पी भाई हमारे पास मिनिमम टॉर्क होगा। कितना भैया? मिनिमम टॉर्क कितना होगा? -k ई पी। ठीक है, जब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू -1 होगी, और -1 कब होती है हमारे पास? 270 पर। कितने पर भाई? 270 पर। यहां तक चीजें क्लियर? आगे भैया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो भाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसकी बातचीत करते हैं। भैया ये जो मेरे सामने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहा है ये है क्या, इसकी भैया काम क्या करता है, ये होता क्या है, जानते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर देखो भाई क्या लिख रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। क्या भाई? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया।
मतलब मान लो मेरे पास भाई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वही उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से सुनो एक बार भैया, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस। भैया क्या, पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब भाई ये बात करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या आप कहोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब सर दो चार छह, चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, पांच हो रही होंगी, तो भैया ये एक क्या निकल कर आ रहा है आपका, एक नंबर ही तो निकल कर आ रहा है। और जो नंबर होता है भैया वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये भी कैसी क्वांटिटी होगा दोस्त, ये भी कैसी क्वांटिटी होगा। आप कहोगे सर ये भी हमारे पास कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या बताता है कि भैया एक सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है भाई, यहां तक की चीजें क्लियर, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भाई क्या हो रही है, पास हो रही है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मेरे को यहां पर समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, भैया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई, इसको भाई हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, फाई से। और हमेशा एक पॉइंट और याद रखना, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, फिर से बात, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूँ भाई मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम भैया क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग, मतलब भैया उसके अंदर आने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोइंग, मतलब भैया क्या हो गया, अगर आपने दोस्त किसी ऑब्जेक्ट को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो उस एक्सटर्नल फील्ड में उस ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और भैया बाहर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कितनी होंगी भाई, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही हैं, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भैया उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलेंगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भैया उस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बाहर होगा। सपोज करो यही हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, भैया ये है मेरे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई, ये एक मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने भैया यहां पर भैया मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो आप कहोगे सर देखो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से, आप ऐसे समझो ये जो ऑब्जेक्ट है ना भैया वो है किस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भैया ऐसे जा रही थी, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, तो भैया इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है। ठीक है, तो यहां से जितनी एंटर कर रही होंगी उधर उतना ही यहां से क्या कर रही होंगी भैया, निकल रही होंगी। इस तरीके से है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और भाई यहां से क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। तो भैया इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक। अब यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, एक दो तीन चार, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, चार हो जाएगा। इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब सुनो एक चीज और सुनो भैया, जिस सरफेस से ये एंटर कर रही हैं वहां पर फ्लक्स जो लिया जाएगा वो लिया जाता है भैया पॉजिटिव। यहां पर अगर मैं बात करूं तो भैया इस पीछे वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही थी, तो यहां पर जो फ्लक्स था वो था भाई मेरे पास पॉजिटिव, और इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भैया बाहर निकल रही हैं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसा है भैया, मेरा नेगेटिव। भैया एंटर करने वाला पॉजिटिव, बाहर निकलने वाला नेगेटिव, तो भैया अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता हूं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तुम क्या बोलोगे सर, प्लस फाइव बाहर निकला और प्लस फाइव भैया एंटर करा, माइनस फाइव बाहर निकल गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
जो भैया किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है वो कितना होता है भाई? जीरो, क्योंकि जितना एंटर करी थी उतना ही बाहर निकल गई, जितना एंटर करी थी उतना ही भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई। तो किसी भी भैया बोल सकते हैं क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है भैया वो कितना होता है, वो होता है जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक की भाई कहानी आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है भाई, यहाँ तक की हमको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। हम थोड़ा सा भाई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम भैया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद भैया हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है भैया इसके बाद गॉस लॉ। क्या है भाई? गॉस लॉ। अब देखो भैया ये है मेन चीज़, इसमें हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये है यहाँ से। तो ये क्या भैया, गॉस लॉ कहता क्या है, जैसे कूलम्स लॉ था, कूलम्स लॉ क्या कहता था भैया, दो पॉइंट चार्जेस अगर एक डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली होगा भैया उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यही तो था, ठीक है। ऐसी भैया गॉस लॉ भी एक बात कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है इस बात को, इट स्टेटेड भैया यह बताता है, क्या बताता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भैया जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। भाई इस बात पर बहुत विशेष कर ध्यान देना, क्या भैया, क्लोज्ड सरफेस। भैया कैसी सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस, ऐसा ना हो भैया आपने एक ऐसी सरफेस बना रखी है जो क्या है ओपन है, तो वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहां पर गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो गॉस लॉ एप्लीकेबल भाई कहां पर होता है, एक क्लोज्ड सरफेस में। कहां पर एप्लीकेबल होता है भैया, एक क्लोज्ड सरफेस में। तो क्या कह रहा है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस में इन वैक्यूम, कहां पर भाई, वैक्यूम में अगर आप रखते हो उसको, तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्या है भाई, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो भैया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, 1/ε0 टाइम्स है, 1/ε0 टाइम्स किसका भैया, उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है, उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है, इसी को ही मैं क्या बोलता हूँ भैया, इसी को ही बोला जाता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या है भैया, गॉस लॉ बताता है कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब आप लोग कहोगे सर आपने तो अभी बताया था टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भैया कितना होता है, जीरो। भाई मेरे वर्डों पर थोड़ा सा फोकस करो, मैंने क्या कहा था अभी आपसे कि भैया जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्या भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भैया जो थी वो जितना एंटर कर रही थी उतना ही बाहर निकल रही थी, तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। ठीक है, अब यहां पर भाई क्या है, यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहा है भैया ये रहा मेरे पास एक चार्ज, ये है भैया मेरे पास प्लस का क्यू, सपोज करो ये भैया मेरे पास प्लस का क्यू है, तो भैया मैं जानता हूं भैया ये चार्ज है इसकी वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है, लेकिन भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां पर देख पाओगे, गॉस लॉ को आप एप्लीकेबल कहां पर कर पाओगे, एक क्लोज सरफेस में। तो भैया यहां पर एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस आप बनाओ, एक ऐसी क्लोज सरफेस आप बनाओ, पहले आपको एक क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी, तो भैया ये बना दी मैंने वो क्लोज सरफेस, अब जो चार्ज है वो अंदर रखा हुआ है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, तो भैया इसके अंदर एंटर क्या कुछ कर रहा था, आप कहोगे नहीं सर इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर नहीं कर रही थी, ये बस अब खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा, प्लस का चार्ज है तो बाहर की ओर। आई बात है समझ में भाई, प्लस का चार्ज है तो बाहर की ओर, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, एंटर कुछ नहीं करा। आई भैया बातें समझ में? तो भैया यहां पर ये रहा भैया मेरे पास प्लस का चार्ज, ये हमारे पास भैया एक क्लोज्ड सरफेस बनाई है, ये क्या बनाया भाई मैंने, ये मैंने बनाया भैया एक क्लोज्ड सरफेस, और भैया इसी क्लोज्ड सरफेस को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, भैया किस नाम से जानते हैं, इसको नाम दे दिया गया था भैया गॉशियन सरफेस, भैया क्या नाम दे दिया गया था, गॉशियन सरफेस। हमको भाई देखो गॉशियन सरफेस खुद बनानी होती है अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करनी होती है हमको गॉशियन सरफेस, कि भैया एक सरफेस हम किस तरीके की बना रहे हैं, किस टाइप की बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो भैया ये हमारे पास गॉशियन सरफेस था, अब यहाँ से भैया यहाँ से अब मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है भैया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो भैया वो कितना होगा, 1/ε0 इंटू क्यू टोटल, क्यू टोटल का मतलब भैया
इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जितना भी है वो रखा जाएगा। सपोज करो यहां पर भैया एक मेरे पास माइनस का 2q और होता, माइनस का 2q और होता, और भैया मेरे पास एक प्लस का 3q और होता यहां पर, तो भैया टोटल चार्ज माइनस 3 प्लस क्यू 4 हो गया, 4 में से 2 चला जाएगा, तो भैया क्यू टोटल चार्ज जो बच रहा है इस गॉसियन सरफेस के अंदर वो कितना है 2q, तो यहां पर जो चार्ज रखा जाएगा वो भैया कितना रखा जाएगा 2q, कितना रखा जाएगा भाई 2q, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/ε टाइम्स होगा किसके भैया, क्यू टोटल, जितना भी उस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास चार्ज रखा हुआ है उस, ठीक है भैया, इसको बोला जाता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है एक बार फिर से सुन लेते हैं, गॉस लॉ कहता है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भैया जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू ए क्लोज सरफेस, भैया कहां से, एक क्लोज सरफेस से, इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर रखा जाता है, तो भैया वो बराबर होता है इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, भैया किसके बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर रखा गया है उसके, ठीक है भाई। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, आगे बात करते हैं गॉस लॉ हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, भैया एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से पहले हम भैया क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार हम क्या करते हैं गॉस लॉ को ड्राइव ओवर कर लेते हैं, गॉस लॉ को भैया हम एक बार ड्राइव ओवर कर लेते हैं, एक बार ड्राइव भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास एक चार्ज था प्लस क्यू, कितना चार्ज था भाई प्लस का क्यू, इस प्लस के क्यू की वजह से, इस प्लस के क्यू की वजह से हम भैया कुछ एक आर डिस्टेंस पर, कहां पर भैया आर डिस्टेंस पर हम भैया एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, ये रहा भैया सेंटर, कहां पर भैया कुछ आर डिस्टेंस पर, हाँ भाई मैंने देखो एक चीज़ और नहीं बताई, यहां पर भैया आप एक चीज़ सुनो, बाय द सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर आप देखो तो यहां पर भैया एक नॉर्मली वर्ड यूज़ हो रहा है, नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब भैया क्या होता है, नॉर्मली का मतलब होता है भैया उसके परपेंडिकुलर निकलेगा, क्या निकलेगा भैया उसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जो होंगी वो हमेशा सरफेस के क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ पर भाई हमको, यहाँ पर भाई हमको एक चीज़ और चाहिए होती है, एक चीज़ और चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं एरियल वैक्टर, एरियल वैक्टर, एरियल वैक्टर का मतलब होता है भैया एरिया, एरिया जो चाहिए वो मेरे को वैक्टर फॉर्म में चाहिए, एरिया जो चाहिए भाई मेरे को वैक्टर फॉर्म में, सरफेस एरियल वेक्टर होता है भैया जो हमारी सरफेस होती है वो उसके परपेंडिकुलर वाला वेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं एरियल वेक्टर, क्या भैया हमारी जो सरफेस होती है उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं एरियल वेक्टर, जिसको हम नॉर्मल भी बोल देते हैं, ठीक है भाई नॉर्मल भी बोल देते हैं। चलो इधर बात करते हैं, यहाँ पर भैया क्या हुआ, यहाँ पर प्लस का चार्ज प्लस क्यू पूरे में फैला हुआ था, तो मैंने क्या करा एक छोटा सा भाई एक एलिमेंट मान लिया, एक छोटा सा एलिमेंट जिसको मैंने नाम दे दिया डी क्यू, भैया एक छोटी सी सरफेस है ना, आप जानते हो इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, सॉरी प्लस का है बाहर को निकलेगी, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, भैया एरिया, एरिया वेक्टर क्या होगा, आप कहोगे सर अभी आपने बताया एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो भैया वो भी बाहर को हो गया, तो इसको मैं बोल देता हूँ डी ए, भैया कितना बोल देते हैं डी ए, अब देखो ये कितना हो गया डी ए, भैया एक बार फ्लक्स पर और आ जाते हैं, फ्लक्स पर और आ जाते हैं, भैया इतनी बात करी, अब ये जो फाई होता है, फाई जो होता है भैया यहाँ पर बात करो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैं भैया आपको फाई बताऊं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने ऐसे तो समझ लिया इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, भैया ये निकालते कैसे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है भैया फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक, एक क्लोज्ड सरफेस है भैया मेरे पास, क्या है एक क्लोज्ड सरफेस, उसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस मतलब मैं एक छोटा सा पार्ट लिया था इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेट का मतलब होता है भैया अब चीज़ों को जोड़ रहे हो, आपने पहले भैया एक छोटा सा पार्ट लिया था, एक छोटे से पार्ट, छोटे 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 पार्टों के आपने टुकड़े कर लिए, अब उन छोटे छोटे पार्टों को आप क्या कर रहे हो जोड़ रहे हो, तो जोड़ने का मतलब भैया अब आप क्या कर रहे हो इंटीग्रेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भैया किसी भी सरफेस से कैसे पास हो रही है ये कहलाता था भैया फ्लक्स। यहां पर ई क्या है आपके पास, आप कहोगे सर ये जो ई है ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और भैया ये जो है आपके पास डी ए, आप क्या बोलोगे सर ये है मेरे पास एरिया वेक्टर, एरिया, एरिया वेक्टर, ठीक है भाई। तो
तो इस तरीके से निकलता है, इस तरीके से निकलता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भैया यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप क्या बोलोगे, सर जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होना चाहिए। भैया जो फ्लक्स होगा वो कितना होना चाहिए, 1/ε0 क्यू का, यही तो होना चाहिए। चलो ठीक है, और दूसरी चीज़ आप जानते हो फ्लक्स जो होगा वो E into dA के बराबर होना चाहिए, 1/ε0 into क्यू। ठीक है भैया, अब आप ये बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, चेंज क्या हो सकता है भैया, आप एरिया को छोटा पार्ट ले लो तो एरिया ही तो चेंज होगा। अब इसकी बात करते हैं तो भैया ये कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, dA का। भैया किसका इंटीग्रेशन करना है, देखो डॉट प्रोडक्ट है इनके बीच में, इस बात को भी ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट। मैं भैया इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, भैया डॉट प्रोडक्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो dA cos थीटा ही तो आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू Q by epsilon naught। आगे बात करो भैया cos थीटा, यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना है, एंगल किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर भैया दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया इनके बीच में, 0 डिग्री का। भैया कितने डिग्री का, 0। और cos 0 की वैल्यू भैया कितनी होती है, आप लोग कहोगे सर cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो भैया यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड EdA बराबर मेरे पास Q/ε0 आ रहा है। ठीक है भैया, E बाहर ले लेता हूँ तो भैया इंटीग्रेट मेरे को किसको करना है, एरिया को, Q/ε0। भैया ये क्या था, एक स्फीयर ही तो था, स्फीयर का एरिया कितना होता है, आप कहोगे सर स्फीयर का एरिया होता है 4πr2। तो भैया ये कितना आ जाएगा, E into 4πr2 = Q/ε0। भैया इसको इधर भेज देते हैं तो E = कितना बन जाएगा, Q/4πr2 ε0। तो भैया क्या ये कुछ आपको पहचाना हुआ नहीं लग रहा, तो भैया यहाँ पर ये कुछ अगर मैं इसको ऐसे लिखने की करूँ, 4πε0 मैंने भैया एक साथ लिख दिया, ये हो गया Q/r2। तो भैया यही तो निकल कर आता था मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो भैया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो गॉस लॉ को भैया हम कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये गॉस लॉ का भैया डेरिवेशन मैंने करके दिखाया था, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। तो भैया उम्मीद करता हूं कि आपको गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी भाई आपको ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी जब हम इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशंस पढ़ने से पहले भैया इसमें एक छोटा सा पार्ट है, उसको हम और देख लेते हैं, क्या है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, पहले यहां पर देख लेते हैं, फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भैया सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ पॉइंट। भैया अगर आपके पास क्या है भैया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है भैया कि आपने जो चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन करा है वो क्या है, हर पॉइंट पर क्या है भैया, सेम है। जैसे मान लो मेरे पास भैया कुछ ये था, मैंने इस वाले पॉइंट पर निकाला, यहाँ पर आ रहा है स्मॉल क्यू, और भैया इस वाले पॉइंट पर निकाला यहाँ पर भी चार्ज स्मॉल क्यू, यहाँ पर निकाला यहाँ पर भी चार्ज स्मॉल क्यू। तो भैया हर जगह पर अगर मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूँ तो हर जगह पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भाई हमारे पास तीन टॉपिक आते हैं, पहला टॉपिक आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम भैया लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भैया, लैम्डा से। तो ये क्या होता है भैया, आपके पास एक वायर था, सपोज करो एक वायर था, आपने उसको जो चार्ज दिया वो उसकी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसकी लेंथ पर। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दिया गया चार्ज उसकी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कहां पर भैया, उसकी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हम वहां उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और भैया यहां पर क्या निकलता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट करा जाता है लैम्डा से। और भैया ये जो लैम्डा होता है ये बराबर होता है चार्ज अपॉन लेंथ के। तो भैया इसकी जो यूनिट जो होगी भाई वो कितनी होगी, तुम बोलोगे कूलाम पर मीटर। ठीक है भैया, ऐसे ही हमारे पास आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट किससे करा जाता है भैया, सिग्मा से। सरफेस का मतलब समझ में आ रहा होगा, आपने भैया किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया और वो चार्ज भैया उसके पूरे सरफेस का मतलब होता है भैया एक तरीके से एरिया, उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर निकलता क्या भैया, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
जिसको डिनोट किससे करा जाता है दोस्त, तुम लोग बोलोगे सर इसको डिनोट करा जाता है सिग्मा से, और ये सिग्मा बराबर किसके हो जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है एरिया पर। कहां पर भैया? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है एरिया पर। और भैया इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या रहेगी, तुम बोलोगे कूलाम, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो भैया कितनी आ जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक की बात है क्लियर, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भैया हमारे पास लास्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जैसा नाम से भैया समझ में आ रहा है वॉल्यूम, तो यहां पर अगर आपने जो चार्ज दिया है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो भैया वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके वॉल्यूम में। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोस्त, उसके वॉल्यूम में। कहां पर भैया? वॉल्यूम में। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, इसको रो से डिनोट करते हैं। भैया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यूनिट क्या बन जाएगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास एक बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है, जिसमें हमारे पास भैया है क्या, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ भैया एक ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से। एक भैया हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट की वजह से। पहले हमने निकाला एक वायर की वजह से, दूसरा हमारे पास भैया क्या है, एक प्लेन शीट की वजह से, और भैया तीसरा हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास भैया ये तीन टॉपिक रह गए हैं, इन तीन टॉपिक को भैया अब हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि हम आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। भाई मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो थोड़ा बहुत मेरे को 50-60% उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी उस कोशिश में सफल हो पा रहा हूँगा, मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँगा बहुत अच्छे से कि भैया कहाँ पर कौन सा टॉपिक क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, और आप लोग भैया बहुत ईजिली उनको समझ भी रहे होगी। ठीक है, देखो मैं वही लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ आम भाषा में जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर भैया देखो किसी भी डेफिनेशन में कोई टफ लैंग्वेज नहीं लेकर आया, बहुत सिंपल लैंग्वेज ही आपको दिखाई है, और सिंपल लैंग्वेज में ही मैं सारी चीज़ें आपको भैया बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भैया उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो मान लीजिए 95% कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास बस तीन एप्लीकेशन रह गई हैं, उनको हम भैया अगली क्लास में कर लेंगे। उन तीन एप्लीकेशन के साथ साथ भाई हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो भैया बहुत जल्दी अब एंड होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो दोस्त भाई प्लीज हमारे साथ बने रहो, हमारी ये सीरीज भैया आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराने पर ध्यान दे रही है। भाई साहब जी बहुत जल्द से जल्द हम कोर्स कराने पर ध्यान देंगे, और भैया जो अब मंडे आने वाला है वहां से भैया आपका मैथ का कोर्स भी लॉन्च हो रहा है सीधे सीधे इसी के साथ। वो प्रारंभ प्रहार सीरीज में ही था भैया, फिजिक्स और मैथ साथ साथ, लेकिन वो मैथ था भैया वो अगले आपके वीक से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्त, तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, और इस वीडियो को और इस चैनल को भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि भैया उन लोगों तक भी ये चीज़ें भैया पहुंच जाए, और वो लोग भी भैया बहुत इजीली बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को भैया समझ पाएँ। ठीक है, तो भैया सभी को राधे राधे, मिलते हैं अपने नए वीडियो में।